सारा हाँ भैंस का दूध बेचते हैं। तो गाइस आपको इन्हें कैमरा जरा इन पर ले आइए, इन पे जरा फोकस करा जाए, इन्हें देख के लगता है कि भैंस का दूध का काम करते होंगे। तो गाइस स्वागत करता हूँ इंगेस उठाई न्यूज चैनल में। और आप सभी मेरे को तो जानते होंगे, मैं वैसे ब्लॉगिंग करता था, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू लेंगे सब मैं पहले अपने फ्रेंड्स का, तो चलते अपने फ्रेंड्स के पास, महराज भाई के पास, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके करियर के बारे में कुछ पूछेंगे, उनका थोड़ा पूछेंगे कि भाई उनका लाइफ स्टाइल कैसा है कैसा नहीं है, और कैसा वो यूट्यूब अपना चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं उनकी तरफ, आओ मेरे साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज हम आ चुके हैं महराज भाई के पास और इनसे थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सब में पहले क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, भाई अकबर का जन्म कब हुआ था? ये कहता भाई जब क्वेश्चन कर रहे हो यार, मैं क्या उस टाइम पे डिलीवरी बॉय था जब मुझे पता हुआ कि अकबर का जन्म कब हुआ था। बात तो सही है। दौड़ा यार, ऐसा तो पता होना चाहिए, आप स्कूल पढ़ते थे, आपको इतना तो नॉलेज सब बताते हैं स्कूल में। तुम नहीं पढ़ते थे? पता कैसे भाई यार इंसान है यार, कुछ भी आके काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा अखबार का जन्म। अच्छा चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन हम अभी साइड कर देते हैं। तो इनसे थोड़ा कुछ मिला जुला क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इनके क्या विचार हैं? तो भाई आपका क्या विचार है सोशल मीडिया पे, क्या हर कोई इंसान वायरल हो सकता है या नहीं हो सकता? गाइस आज के टाइम पे वायरल वही हो सकता है जिसके पास कच्चा बादाम है, वरना तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये बिल्कुल इन्होंने 100% सच बात हुई है, कच्चा बादाम वही वायरल होता है, वरना कोई नहीं होता। इस बात से एक बात कहूँ, लड़के पूरी जिंदगी घिसते रह जाएंगे, वो एक एक साल लग जाएंगे, लेकिन लड़कियां बस कुछ कच्चा बादाम दिखा देंगी, उसके बाद वो मिलियन में ले जाती है। गाइस वो कच्चा बादाम के जगह कुछ और कच्चे में बादाम दिखा देती है। वही तो यार, क्या कहूँ, दर्द ही इतना यार, रो भी नहीं सकते, खो भी नहीं सकते, क्या कोई मेरा जाए होता। अभी आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है? ये आईफोन 6 है भाई, ये आज से 8 साल पुराना ये है। इसकी कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है घिस चुका है बिल्कुल। हाँ तो इसे वीडियो में घिस देंगे, उसके बाद व्यूज सही है, फॉलोवर सही है, मैं घंटा भर नहीं पाता। इस बात से मैं इस डेविड में एक बंदे को और जोड़ना चाहता हूँ, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो थोड़ा तार है, इसे थोड़ा ऐसे करके कर लेते हैं, कोई नहीं। तो हमारे साथ एक महत्वपूर्ण इंसान, टैलेंटेड, और जितने इनकी मतलब तारीफ करी जाए उतना कम है। महराज भाई आपसे, ओ फरहान भाई, सॉरी, कभी कभार दिक्कत हो जाती है कोई। हाँ तो फरहान भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। कि आपकी दाढ़ी कैसे आने लग गई? अभी गूगल करके बताता हूँ भाई। गूगल करने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे, मुझे पता है इसकी दाढ़ी कैसे आई है। क्यों ऐसे आई? मैंने इसे आयुर्वेदिक लेप दिया था एक। ओरे बाबा, कौन सा लेप था वो? वो क्रीम आती है स्पा की, वो मैंने इसे, ओरे बाबा, दी थी लगाने को संग, वो ये डेली सुबह लगाता था। पहले इसकी दाढ़ी नहीं आती थी। जिन बच्चों की दाढ़ी नहीं आती वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें एक लेप दूंगा आयुर्वेदिक, उसे लगाने के लिए ऐसी घनी दाढ़ी आ जाएगी। आप जितने भी शहर में जितने भी लोग बाग हैं जिनके भी दाढ़ी नहीं आती, जैसे कि मैं थोड़ी बहुत, हाँ तो आपको भी मैं आयुर्वेदिक लेप दूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद इन्हें भी मैं एक लेप पकड़ा दूंगा, वो लेप लगाने के बाद आपकी भी घनी दाढ़ी आ जाएगी। कहना चाहता हूँ कि अगर जिस भी व्यक्ति की दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं आती, वो महराज भाई से संपर्क कर सकते हैं। भाई के पास एक रहस्यवर्ण क्या होता है, आयुर्वेदिक, वरना हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, मोटे बालों को नीचे से ऊपर लगवा सकते हैं। समझ रहे हो ना, वो घूंगने वाले होते हैं, वो घूंगने वाले, उसकी दिक्कत मत लिए, उसे हम स्ट्रेटिंग करवा के लगाएं। इनका नीचे कहने का मतलब जांघों के बाल, मतलब पैरों के बाल, आप कुछ गलत मत समझना। तो कुछ और ही समझ रहा था, ये पारिवारिक शो है बिल्कुल, इसमें कोई हम गलत, पारिवारिक शो है ना, पारिवारिक शो है। हाँ, तो वालों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आए उनके पास, इनसे अगर वो उन मीठों की बात नहीं होगी यार, उनके चक्कर में मेरी बंदी भाग गई यार, तू भाई। ये बात इन्होंने बिल्कुल सच कही है कि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गाइस, सब उन्होंने पागल कर रखी है सब। गाइस मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, बताता हूँ आपको। गाइस इसकी जो बंदी थी, इसे जब मिली थी उसने कहा था कि फरहान मैं तुमसे ज्यादा किसी और को प्यार नहीं करती, लेकिन जैसे इसका बर्थडे आया ना, वी ऐसी कुछ करके बीटीएस में, जैसे उसका बर्थडे आया तो फरहान की बंदी फरहान से कहती है कि मेरा पहला और आखिरी प्यार वही है। तो फरहान ने क्या करा, फरहान को फरहान को पीछे उल्टा करा, पहले तो उसे फरहान को खड़ा करा, फिर उल्टा करा, फिर उसके बाद फरहान को हल्का सा झुकाया और वो ऐसे बैठ गए, उनने ऐसी लात मारी, फरहान सीधा गटर में, और अगले दिन रोते रोते घर चला गया। उसके बाद तो आप इनकी फोन रख दीजिए यार, गर्लफ्रेंड का सरेआम रेप करा जा, मतलब रेप नहीं, क्या बोला तूने?
सॉरी मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है कुछ, आपको दुख दर्द नहीं होता कि आपकी मोहब्बत का भरी महफिल में भरी ऑडियंस में मजाक उड़ाया जा रहा है? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। पहले उड़ाया जाता तो बहुत दुख लगता था, पहले तो मन करता था ना जान से मार दो, अब तो कितना भी उड़ा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। मगरमच्छ के आंसू तेरे, तू रोएगा बंदी के चक्कर में। गाइस ये बहुत बड़ा हुआ है ठरकी, ये बंदा ऐसा है अगर ये कहीं रोड पे भी जा रहा ना कोई दिख गया ये उसे ये कह देगा आज का काम हो गया चलो मेरा, ये ऐसा बंदा भाई ये यकीन मत करना, वो तो सही है छोड़ दिया। तो ये अश्लीलता फैलाते हैं आपके कहने का मतलब ये है, अश्लीलता लड़के छेड़ते हैं ये आजकल की जो नई पीढ़ी है जनरेशन जो आ रही है तो उनके उनके लिए कैसे विचार है इनके? उनके लिए इनके विचार ठरक पने के हैं, इससे अगर अगर गाइस आपको बंदा अगर रोड पे घूमता हुआ दिखे तो प्लीज इससे थोड़ी दूरी बनाकर चला करिए। तो पूछता है चांदबाग आपसे कि आपने गली मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी सब सब वो बंदी निगाहों से देखते हो, लड़कियों को तो बहुत दूर की बात, जितने भी लड़के हैं छोटे होते जैसे उनको भी गंदी उधर पूछता है चांदबाग, उधर देख के बताइए आप। नहीं 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 ऐसा नहीं हूँ मैं, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो गाइस इसके अगर बायो में चले गए ना इंस्टाग्राम, मर्डर किलर फलक किलर पता नहीं क्या क्या, तो इसने लगा रखा है लड़कियों को फॉलो करता है, भली रिप्लाई ना है ये ऐसा। फरहान भाई को हटा के यश भाई को जोड़ते हैं, यश भाई के पास फोन करा जाए, उनके पास फोन करते हैं, ये डिबेट से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अश्लीलता फैला रहे हैं टोटली जितनी भी है। तो पूछता है चांदबाग की न्यूज चैनल में दोबारा से हमने अपने जोड़ने यश सोलंकी भाई, इनका खुद का बिजनेस है भैंसों का बिजनेस, दूध का, दूध मतलब भैंस दूध की डेयरी है ना, मतलब इनका डेयरी का बिजनेस है और ये दिन पे दिन दूध महंगा करते जा रहे हैं, ठंड इतनी पड़ रही है कि इंसान का बाहर निकलना दुश्वार हुआ पड़ा है, ऐसे ठंड में इंसान कहाँ जाए कमाने के लिए। वैसे सही बात, उस टाइम पे भी ये इतना महंगा दूध बेच रहे हैं। यश भाई कितने रुपए किलो दूध चल रहा है? 75 रुपए किलो दूध बेच रहे हैं। नहीं है तो लो अनिमत लो। देखो गाइस मेरे मेरे दिमाग में खैली क्वेश्चन आया है जो मुझे इनका भी इन्होंने बोला कि इनका दूध का काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनका भैंस का काम है, भैंस का दूध बेचते हो ना सरा, हाँ भैंस का दूध बेचते हैं, तो गाइस आपको इन्हें कैमरा जरा इन पे ले आइए, इन पे जरा फोकस करा जाए, इन्हें देख के लगता है कि भैंस के दूध का काम करते होंगे। गाइस ये बात इन्होंने भाई कितने ऊंची बोली है, कितने मोटे तगड़े भाई बंदे हैं। अबे तू क्यों बोल रहा है पीछे, तू तो डिबेट से बाहर है। कैमरामैन को भी हके थोड़ा बहुत। तो गाइस ये बात इन्होंने 100% सच बोली है कि दूध का ये बिजनेस करते हैं ऐसे बिल्कुल खत्म इंसान। ये कैमरामैन ने मुझे पतला करा है, ये इनकी बातों पे आप नोटिस नहीं करें। गाइस मैं कह रहा हूं मैं तो इनकी बात तो कोई नोटिस नहीं करेगा। तो गाइस जैसा कि इन्होंने कहा है कि कैमरामैन ने आपको खराब करा है या कि जो कैमरे से शूट होती है जो वीडियो उसने खराब करा है, मेरे को तो ऐसा लगता है जो गाइस मुझे लगता है दूध वूध कुछ नहीं बेचते हैं, ये बोनवीटा बना के खुद पीता है ये, भाई कुछ भी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बोनवीटा बना के बेचता होता मैं तो फिर और तगड़ा होना चाहिए था, क्योंकि तुम तगड़े कर दिया, हमने आपको तगड़ा कर दिया यार। मैं दूध पीता ही नहीं, पहली बार गाय का पीता हूँ मैं, फिर बड़े कैसे हो गए तुम, दूध नहीं पिया तो तुमने। बात तो सही है। तो आप क्या कहना चाहते हो? तो गाइस ये तो इन्होंने बिल्कुल खतरनाक वाली डिबेट हो गई है यहाँ पर। क्या बोलना चाहते हो गाइस? ये बोलना क्या चाहते? माइक टूट जाएगा, माइक महंगा। तो आप जैसा कि कह सकते हैं कि बाबा आप इनको भी थोड़ा वो दे जड़ी बूटियां। गाइस जड़ी बूटी तो इन्हें मैं बाद में दूंगा, पहले इनसे कहें जितना माल भरते हैं वो छोड़ दिया। अब मुझे इन्हें देख के पता चल रहा है कि आखिर इनका दूध जा कहाँ रहा है सारा। आप माल वो गलत जगह पे ले आ रहे हो, वो दूध बाहर नहीं जा रहा है, ये दूध फटा हुआ जा कहाँ रहा है ये गाइस है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूछता है चांदबाग कि दूध फाड़ नहीं रहे हैं ना बेच रहे हैं, बेच तो रहे हैं पर ये अपने लिए कुछ बचाते हैं नहीं बचाते। इनके पास कितनी भैंस है? हमारे यहाँ पे 4 भैंस है, सॉरी 3। तो गाइस तो आप देख सकते हैं इनके पास 3 भैंसे हैं, तो 3 भैंसों में से 2 भैंसों का दूध डिवाइड हो जाता होगा, बिक जाता होगा, एक का तो बचता होगा आपको। तो पूछता है चांदबाग कहना चाहता है कि भाई यश भाई को इस डिबेट से डिलीट कर दिया जाए, मैं अपने थोड़े जो वो है बंद डिलीट मारो लंडे को, डिलीट डिलीट जाओ। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आज के मैं अपनी डिबेट यहीं खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, तो जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्क रखें, मतलब काटो यार वो ना।